PCW के एजुकेशनल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। हार्डवेयर में वो उपकरण जो आउटपुट प्रदान करते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में पहला उपकरण मॉनिटर। मॉनिटर्स की बात करें तो CRT मॉनिटर एंड TFT मॉनिटर्स, दो प्रकार के मॉनिटर्स की बात करेंगे। CRT मॉनिटर्स जो कि पहले के समय में आते थे, जिनमें बिजली की खपत भी ज्यादा करते थे ये, और रखने के लिए इनको स्थान भी ज्यादा होना जरूरी है। ऐसे में पीसी के साथ हमारे CRT मॉनिटर्स ही अधिकतम उपयोग किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, धीरे धीरे बढ़ते गए हम क्रम में, और TFT मॉनिटर्स आते हैं जिनके रखने के स्थान में काफी बचाव हुआ। दूसरा, बिजली की खपत भी ज्यादा नहीं होती है। तीसरा, हमारे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो बेहतरीन क्वालिटी भी होती है। टेक्स्ट, इमेज और वीडियो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का कार्य हमारे इस विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर्स का होता है। मॉनिटर्स को VDU भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमारी सूचनाओं को डिस्प्ले कराते हैं टेम्पोरली पीरियड के लिए। ये इंफॉर्मेशन जो हमारे मॉनिटर्स पे डिस्प्ले होती है, इन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहके पुकारते हैं। इन मॉनिटर्स के अलावा भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं हमारे आउटपुट को, जिनमें प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स दो कैटेगरी होती है, इंपैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इंपैक्ट। द इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस द आउटपुट बाय यूजिंग टाइपराइटर अप्रोच। दिस अप्रोच हैमर्स द डेटा अगेंस्ट पेपर एंड इंक रिबन। एक हैमर लगा होता है जो कि हमारे पेपर के विपरीत होता है, और वो डाटा युक्त होता है जो कि स्याही युक्त फीते पर जाकर चोट करता है, दबाव देता है, यानी कि हमारे पेपर पे वो डेटा प्रिंट होता है। इस तरीके से जो भी प्रिंटर्स हमारे छपाई का कार्य करते हैं, यानी कि टाइपराइटर जैसे, वो सभी इंपैक्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे आते हैं हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स इट मीन्स जो कि प्रिंटर्स हमारे हिट नहीं करते, यानी कि कोई चोट नहीं देते, कोई दबाव नहीं देते हमारे रिबन पर। ऐसे प्रिंटर्स में नाम आता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर का। इस तरीके से हम प्रिंटर्स की बात करें तो हमारा पहला आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ज्यादातर प्रयोग करने में सस्ता भी था और इसकी प्रिंट क्वालिटी बेहतर नहीं होती। बिल, टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, इन सभी बिल्स को प्रिंट करने के लिए हमारे ज्यादातर प्रयोग में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ही लिए जाते हैं। ये प्रिंटर्स ज्यादातर शोर भी करते हैं। ऐसे में अगर हमें बेहतरीन क्वालिटी चाहिए तो इन प्रिंटर्स के अलावा हम बढ़ते हैं आगे इंकजेट प्रिंटर्स की तरफ। इंकजेट प्रिंटर्स हमारे कलर प्रिंटिंग के लिए भी सूटेबल होते हैं। ये प्रिंटर्स हमारे इंकजेट प्रिंटर्स इंपैक्ट के अंतर्गत आते हैं और इनकी प्रिंट क्वालिटी भी बेहतर होती है। इनके अलावा सबसे बेहतर प्रिंटर्स में नाम आता है लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर हमारा सबसे पॉपुलर प्रिंटर, सबसे बेहतरीन प्रिंटर, जिसकी प्रिंट क्वालिटी भी बेहतर होती है, और प्रिंट क्वालिटी में बेहतर होने के साथ साथ ये हमारा प्रिंट कॉपी भी बहुत कम समय में हमें प्राप्त कर देता है। ऐसे में ये प्रिंटर ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। आउटपुट बात कर लेते हैं तो प्लॉटर्स भी एक प्रिंटर ही है। प्लॉटर्स का प्रिंट आउट हमारे बड़े बड़े मैप, फ्लैश बोर्ड, बैनर्स, इन सबको प्रिंट करने के लिए होता है। कलर प्रिंटिंग आज के समय में आप बोर्ड्स वगैरह देखते होंगे, वो सभी प्रिंटर्स में नाम आता है प्लॉटर्स का। बात करते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स यानी जिनके जरिए हम आवाज सुन सकते हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम से बहुत सारी आवाजें निकलती हैं और उन आवाजों को हम प्राप्त कर सकते हैं स्पीकर्स के जरिए। अगला आउटपुट डिवाइस जिसे हम वीडियो कार्ड के नाम से जानते हैं, मॉनिटर्स पे जो सूचनाएं हमें मिलती हैं वो सूचनाएं हमारी पिक्सेल के जरिए मिलती हैं। पिक्सेल यानी कि पिक्चर एलिमेंट्स।
इन पिक्सेल्स को तैयार करने का यानी एक सिग्नल तैयार करने का कार्य वीडियो कार्ड का होता है। वो इमेज जो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले होगी, मॉनिटर की स्क्रीन की साइज क्या है, उस साइज के अनुसार आउटपुट इमेज यानी सिग्नल के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से हमारे मॉनिटर के डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर आए, इसके लिए वीडियो कार्ड आउटपुट देता है। इसे भी हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आज के क्लास में आपने सीखा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आगे के क्रम में और भी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और एक बात आप सभी जरूर ध्यान दें कि जो भी वीडियो में आपको लगता है कि कमेंट्स कर देना चाहिए, सो कमेंट्स में जरूर लिखेंगे कि जो भी कुछ कमियां नजर आती हैं आपको, जो भी कुछ दिक्कतें या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आवाज की या वीडियो की, जिस तरीके की भी, सो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।